नहीं दिख रहा है, मुझे 10 मीटर का भी आगे का नहीं दिख रहा है, जबकि डेंजरस एरिया भी है जहाँ पे अंधेरे में अगर आप निकलते हो देख सकते हैं कितना कम विजिबिलिटी। ब्लॉगिंग करने के लिए कहाँ पे जाऊँगा, मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग वीडियो लॉन्ग राइड है, कहाँ पे है ये सस्पेंस है। तो जय श्री गणेश के नाम के साथ जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है और हो चुकी है अपनी जर्नी की शुरुआत और ये है मेरी पहली मोटो ब्लॉगिंग वीडियोस। दोस्तों हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से जो है वो पहले मैं शूट नहीं कर पाऊँ, ऑफकोर्स एक्सपीरियंस के कमी की वजह से, तो थोड़े बहुत गलतियां जो है वो इधर उधर हो सकता है। तो अभी तो मैं अपने गांव को पहले पास करूंगा और आज जो है वो अभी कोहरा आ गया है, थोड़ी देर पहले तक कोहरा नहीं था। मैं 3:30 में ही जो है वो आज उठ गया था एक्साइटमेंट में कि मुझे पहला मोटो जर्नी करना है, पहला मोटो ब्लॉगिंग बनाना है, लॉन्ग राइड पे जाना है। तो 3:30 में उठ तो गया एक्साइटमेंट की वजह से, पर उसके बाद जो है वो मैंने योगा किया। सब पहले तो मैंने सारे बाथरूम के काम किए, फिर मैं योगा किया और फिर मैं जो है वो चला गया जॉगिंग पे। जॉगिंग से आके फिर मैं रेडी होके और फिर जो है वो मैं ये सब किया हूँ, तब तक बज गए हैं 5। तो अभी जो है वो सुबह के 5 बज रहे हैं, 3:30 में 4 बजे जब मैं निकला था जॉगिंग के लिए तो उस समय उतना वो नहीं था फॉग, पर अभी जो है वो आपका फॉग काफ़ी आ गया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही संभल संभल के स्टार्ट करनी पड़ेगी राइड की। और हम लोगों का जो ये एरिया है ये भी थोड़ा सा ओहो विजिबिलिटी आपको शायद पता नहीं कैमरा में कितना दिखे या ना दिखे, बट बहुत ही कम हो गई है। तो हम लोगों का थोड़ा सा ये डेंजरस एरिया भी है जहाँ पे अंधेरे में अगर आप निकलते हो तो छीन छोड़ होने के चांसेस रहते हैं, स्नैचिंग होती है, बाइक स्नैचिंग भी हो सकती है, तो इसके लिए बहुत संभल के निकलना पड़ता है। मैं एक बार पहले टॉयलेट कर लेता हूँ। मैंने सोचा था कि 5 o'clock तक जो है वो वेदर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मिड फरवरी है और वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा था, बट पता नहीं क्यों इतना इनविजिबिलिटी हो गया है। अभी मुझे वाइज़र ओपन करना पड़ेगा, वाइज़र ओपन करके भी कुछ नहीं दिख रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैमरा में भी कितना दिख पा रहा होगा कितना नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि शायद अब कुछ देर रुक जाना पड़ेगा। लाइटिंग पे शायद दिख रहा है आप लोगों को, तो मुझे तो भाई अपने ही गांव में डर लगता है और ऊपर से अभी विजिबिलिटी जो काफी कम है, तो मैं हाईवे पे कैसे राइड करूंगा। इस टाइम में ट्रक बहुत ज्यादा रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अभी मैं सोच रहा हूँ कौन सा सेफ रूट होगा, मुझे इधर से निकलना चाहिए क्योंकि ये रूट जो है वो थोड़ा सा सेफ नहीं है, तो इधर से निकलते हैं गांव होते हुए उस साइड से जो है वो आपका बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, सुनसान रोड है थोड़ा उधर। अभी मैंने वाइजर ऑन कर लिया है तो शायद आपको साउंड में जो है वो आवाज़ आ रहा होगा इकोसिस्टम पे।
साइड से ज़्यादा खतरा नहीं है, ये गांव रूट से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है कि हाईवे पे कैसे होगा। तो अभी मैं तुरंत हाईवे पे पहुंच के ही आपसे बात करता हूँ। अगर हाईवे पे उतना ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी नहीं होगा तो मैं शायद कुछ देर का ब्रेक ले लूँगा। अभी इस रोड में मैं खुद ही बहुत दिनों के बाद आया हूँ, क्योंकि हम लोगों के गांव में अभी आने जाने का रूट हम लोग बहुत उस चेंज कर दिए हैं। तो इस रूट से जो है वो मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। लगता है पता नहीं सेफ होगा कि नहीं सेफ होगा। अभी वाइजर ओपन करने से विजिबिलिटी तो कुछ कुछ ठीक है, पर मुझे इस रोड को थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है इतना सुबह के टाइम में इधर से। गांव में पहले सब उठ जाया करते थे जल्दी, लेकिन अब कोई नहीं उठता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मुझे टर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि शायद ये रोड भी सेफ नहीं है। और एक तो मुझे इस रोड में आए हुए लगभग 5 साल से 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं जिस रूट से हम लोग गांव आते जाते हैं उसी रास्ते से पहले हाईवे तक जाता हूं, फिर जो है वो हम मैं डिसाइड करूंगा कि किधर जाना है। किधर जाना है ये डिसाइडेड है, बट कहां तक जाना है ये डिसाइडेड नहीं है। तो वो मैं आपको अपडेट देते रहूंगा जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा। अभी मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहां तक जाऊंगा। हाँ, किस रोड में जाऊंगा ये मुझे पता है। तो हाईवे पे जो है वो आपको दिखाते हैं, मिलते हैं। देख सकते हैं कितना कम विजिबिलिटी है, और मैं अपने गांव के सबसे डेंजरस और सबसे अच्छे रोड पे आ गया हूँ, लेकिन विजिबिलिटी इतना कम है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। 10 मीटर का भी आगे का नहीं दिख रहा है, जबकि अभी मौसम जो है वो सिक्स ओ क्लॉक 5:30 तो हो ही गए होंगे, बट विजिबिलिटी बहुत कम है। ये एरिया बहुत खूबसूरत है, आसपास काफ़ी हरियाली है, बट अभी आपको कुछ नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। आंखों से तो दिख ही नहीं रहा है, कैमरा क्या रिकॉर्ड करेगा। सो हाईवे पे अगर यही कंडीशन रहा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे एक घंटे तक तो नहीं ठीक होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वेट करना पड़ जाएगा मुझे निकलने के लिए।